हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। तो गाइस मॉर्निंग तो क्या है, मतलब 11-12 बजने वाले हैं और भाई निया आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, उसका 4 बजे का फिक्स है सोना। इस वजह से फिर हमारी भी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो मैं तो फिर भी 10 बजे तक उठ जाता हूँ और सोनम तो मेरे से पहले उठ जाती है। इसको उठा के हमने सुबह सबसे पहले नहला दिया है। नियो बेटा है, क्या हुआ, मम्मा नहला तो रही है। गाइस अभी हम निया को नहला के और सोच रहे हैं सुला दें और उसके बाद फिर हम चलेंगे, मैं और सोनम दोनों अपना वर्कआउट करने। सबसे पहले अपना पानी गर्म कर लेते हैं, 2 चम्मच ब्लैक कॉफी सोनम पिएगी और 2 मैं। तो गाइस ये देखो मेरी और सोनम दोनों की कॉफी रेडी है। डियो कितना चुद्दा लग रहा है, डालिया मेरा बेटा, मम्मा ने निला दिया। चलो फटाफट से कवर हो जाओ कि मेरे नियो को ठंडी ना लग जाए। ये गाइस रोज ड्रामे करती है, खांसने का है ना, जान पूछ के करती है ना सोनम, ये जान पूछ के करती है ताकि मुझे प्यार करे, मुझसे अटेंशन दे, मुझे अटेंशन दे। बेटा कितना बुरा नाखून मारा ना आपने, अभी तक ठीक नहीं हुआ, 2 दिन हो गए इसको, समझ रहे हो। गुड मॉर्निंग बोल दो, चलो सबको सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। हेलो गाइस, कैश हो। दोनों ड्रिंक्स बना लिए, इसमें 2 नींबू, इसमें 2 चम्मच ब्लैक कॉफी एंड इसमें मैंने चीनी नमक कुछ नहीं डाला है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये गुनगुने पानी में, ये ठंडे पानी में। इसको लेने के बाद 10 से 15-20 मिनट बाद ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। चलो नींबू तैयार हो जाओ बेटा। बेटा शेरू, मम्मा को देखो डाइटिंग करवा रहे हम, मम्मा को डाइटिंग करवा रहे, आओ खुश हो रहे हो, मम्मा को डाइटिंग करवा रहे, मम्मा को पतला करेंगे, जल्दी से पतला करेंगे, आपने मोटा कर दिया मम्मी को, मोटा कर दिया। ले तो गाइस आज मैंने इसको है ना सुबह सुबह अपना प्रोटीन पिला दिया, इसका है ना मन ऐसा खराब हो रहा है। क्या हुआ, बस पूछ मत, आज तक ऐसी हालत नहीं हुई। कुत्तों को घी हजम थोड़ी ना होता है। मम्मा नहीं लाती है तो एक काम तो पापा को करना पड़ेगा ना, एक काम तो पापा को करना पड़ेगा, कपड़े कौन पहनाएगा आपको है, कपड़े कौन पहनाएगा, कपड़े तो पापा ही पहनाएंगे। उनको तो पापा ने डायपर पहना दिया, अब बेटा कितना भी सुसु पोटी का। तो गाइस मैंने इसको डायपर पहनाते ही नहीं है, पूरे दिन इसको खुला रखते हैं और ये इतने पजामे खराब करती है, इतनी चद्दर खराब करती है, लेकिन कोई बात नहीं, न्यू फील फ्री, कितनी भी पोटी करो कितने भी सुसु करो, बार बार धो देंगे आपके कपड़े। है ना, ये तो अभी जिम लेके जा रहे इसलिए आपको डायपर पहना रहे है ना बेटा। चलो चलो अपनी क्यूट क्यूट सी ड्रेस पहनो, ये तो साड़ी इसको छोटी हो चुकी है, अभी सोनम ने इसके लिए बहुत सारी और भी ऑर्डर करी है, नहीं मंगाई है तूने, नहीं हूँ। पापा आपको किस तरीके से पहनाएंगे पता है, अच्छे गोदी में उठाएंगे, मम्मा का तरीका अलग है, पापा का तरीका अलग है पहनाने का, किस तरीके से हस्बैंड वाइफ का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग ऐसे ही पहना देते हैं। उनके अंदर एक्चुअल में दिमाग होता ही नहीं है, ठीक है, बच्चे को ज्यादा परेशान करती है। अब हमारा नियो तो ऐसे भी पहन लेगा, क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, ये ले पहन लिया इसने आराम से। चलो 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 चलो, मम्मा के अंदर तो दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कोट पहन लिया पापा, अब मैं ड्यूटी जाऊंगा, एयरोस्टेस बनूंगा, मैं प्लेन उड़ाऊंगा, पायलट बनूंगा। क्या बनोगे बेटा आप बड़े होगे, मुझे तो ऐसा लगता है सिंगर बनेगी गाइस, गाती रहती हूँ। पंडित ने बोला भी था कि इसकी आवाज है ना बड़ी स्वीट रहेगी, इतना बड़ा मंगा दिया न्यू, ये वाला 3-6 मंथ का है, बट ये अभी 3 मंथ की होगी इसीलिए छोटा है, अभी तो न्यू 2-2.5 महीने का ही है। बताओ इतने बड़े बड़े कपड़े मंगा दिए न्यू, मम्मा को शर्म नहीं आई। गाइस वीडियो अभी शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल दिखाने वाली सेफ गेमिंग ऐप है जहां पे आप रमी खेलकर पैसा जीत सकते हैं। रमी सर्कल एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। तो गाइस अगर आपको रमी सर्कल खेलना आता है तो खेलकर पैसा जीतिए, अगर आपको नहीं खेलना आता है तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस गेम्स खेलकर इसको सीख सकते हैं और फिर कैश गेम्स खेलकर पैसा जीत सकते हैं। और गाइस इसमें डिपॉजिट के लिए आप लोगों के लिए सबसे सेफ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया या फिर डेबिट कार्ड, इन सभी के थ्रू आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं और आप फर्स्ट डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस भी पा सकते हैं। तो गाइस रवि सर्कल पे गेम खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है। तो गाइस देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करें और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाए। गाइस आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। खेल में जोखिम अच्छा मिला और आपको नशीला भी लग सकती है, कृपया खेल को अपने जोखिम पे और जिम्मेवारी पे खेलें। तो गाइस निया को हमने कर दिया है पूरा पैक और इसका ये जो छोटा सा रॉकर है ये मैंने ले लिया है, तो जिम में जाके इसको सुला देंगे एंड हम इसको निलाते इसीलिए गाइस क्योंकि नहा के है ना बहुत ही अच्छा सोती है और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, 2-3 घंटे हम आराम से वर्कआउट कर पाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जिम में और हमने निवान्या को अपनी जगह बिल्कुल सुला दिया है, एसी हमने चला दिया है, पंखा भी चला दिया है ताकि इसको गर्मी ना लगे, और सोनम के मैंने कमर पे लगा दिया मुच्छड़ बाप जिसे कहते हैं, वो आग लगा देता भाई, और अब इसको है ना इसको जलन बच रही है और ज्यादा स्किन के अंदर सेंसेशन। चल फटाफट चढ़ जा ट्रेडमिल कर ले। तो गाइज अपन भी अपना कार्डियो कर लेते हैं, मैं भी ट्रेडमिल करूंगा आधा घंटा
और सोनम लेकिन मेरे से ज्यादा करती है, मेरे लिए आधा घंटा काफी है क्योंकि मेरी बॉडी में उतना फैट बचा नहीं है, काफी हद तक मैंने कम कर लिया है, लेकिन अभी एब्स अभी भी नहीं आए, उसके लिए बहुत टाइम बाकी है। चलो मैडम लग जाओ अपने काम पे, लगना पड़ेगा। और आज का टारगेट बता देता हूँ तुम्हारा कितना होना चाहिए, आज 600 कैलोरीज बर्न करनी है, 600 कैलोरीज बर्न करनी है, और उसके बाद में लेग रेस करनी है 500। देखो गाइस पसीने आना स्टार्ट हो गए, और मैं सोनम से कम ट्रेडमिल करता हूँ लेकिन ज्यादा थक जाता हूँ, और इस मोटे से घटोत्कच को देख के लगता नहीं है कि इतना आराम से कर लेता है। तो इसके देखो 25 मिनट हो गए और 300 कैलोरीज बर्न होने वाली है, और मैंने देखो अभी 11 मिनट किया है, आगे चल रही है मुझसे, क्या बात है। इट्स कॉल्ड डेडिकेशन जो आप में नहीं है, मेरी बॉडी के अंदर उतना फैट नहीं है जितना तेरी बॉडी के अंदर है। हाँ तो ये भी घट जाएगा, यू नो लेफ्ट हैंड का कमाल है। 3 महीने के अंदर सोनम को देख लेना, मतलब बहुत फिट हो जाएगी, कहने का मतलब। अभी इसका वेट 81 से 80 के आसपास आ गया है भैया, खड़ा नहीं हुआ जाता इतने वेट में। गाइज मैं आपको बता दूं यार, वेट तो ऐसी चीज है, किसी का भी गेन हो जाए ना, चाहे वो छोटी उम्र में हो चाहे बड़ी उम्र में हो, आदमी की ऑटोमेटिक एज 5 से 10 साल बढ़ जाती है। वहीं अगर आप फिट हो तो आपकी एज चाहे आप 40 के भी होंगे ना, तब भी आप 25-30 के दिखोगे। मेरा तो कम्प्लीट हो गया, 25 मिनट मैंने अब कर लिया, 5 मिनट में पहले कर चुका था। इसको देखो कैरी शाला, फैट कम होगा रे, भागने में लगी हुई है, करके ही छोड़ेगी। तो गाइज स्टिल शी इज रनिंग एंड 39 मिनट्स हो चुके हैं, 450 कैलोरीज बर्न कर चुकी है, वैसे मैंने इसको 600 के लिए बोला है आज। ये देखो गाइस मैं तो पूरा पसीने के अंदर भीग चुका हूँ, एब्स आए ना आए वो तो पता नहीं, लेकिन चक्कर आके मैं गिर ना जाऊं। तो गाइस देखो आप टाइमिंग देखो, 62 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 1 घंटा 2 मिनट और 17 सेकेंड, और 703 कैलोरीज। यार मोटे यू डिड इट, यू रॉकिंग मैन, यू आर अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। तो हम कैसे कर लेते हो? तुम कैसे करते हो? देखो गाइज अगर आपको जिंदगी में जीना है ना तो अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। ओ भैया हमें तो मोटापे का जब एहसास हुआ जब उठा नहीं गया, और दूसरी बात फिर लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया, वो ये नहीं देखते लोग बाग की प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। मुझे लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद से मोटिवेशन मैं खुद लेती हूँ, जब मुझे ठीक लगता है ना तब मैं करती हूँ। नीहा देखो आराम से सो रही है, मस्त सो रही है, इसको कोई टेंशन फिकर नहीं है, बच्चे को आराम से सो रहा है, इसीलिए गाइस हम इसको नहला के लेकर आते हैं, तो नहाने के बाद आराम से सोती है। गाइस मैं अभी आपको बता दूं, आज सोनम को मैंने टारगेट दिया है 500 लेग रेस करने का, पिछली बार इसने 100 मारी थी और अब इसको चक्कर आ रहे हैं क्योंकि गाइस 1 घंटे से ज्यादा ट्रेडमिल करा है। कितनी होगी तेरी लेग रेस, कितनी होगी? 60 होगी, अभी तो 440 बाकी है। चलो करो स्टार्ट, करो करो करो, छोड़ूंगा नहीं पीछा आज, चल कमॉन कमॉन मोटे, यू डिड इट, तू कर सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइज ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जो आपका लोअर टमी होता है ना सबसे पहले उसको रिड्यूस करती है एक्सरसाइज, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इजीली आप कर सकते हो घर पे भी। तो गाइज ऑलमोस्ट हमें 2.5 घंटे होने वाले हैं दोनों को जिम में, और वर्कआउट हमारा बहुत बढ़िया रहा, सोनम ने भी भाई बहुत मेहनत कर रही है आजकल, मुझे लगाना मत भूलिएगा बहुत एनहेंस करेगा वर्कआउट करने में, क्योंकि इतनी आग लग जाती है शरीर में, ज्यादा मत लगा लेना यार, कम लगाना। सोलन बाम करके एक बाम आता है, लेकिन यार वो बहुत मतलब सेंसेशन पैदा करता है, जिस जगह पे आप लगाते हो उस जगह पे बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, बैठने नहीं देगा। उससे क्या होता है कि आप बैठ नहीं सकते, रेस्ट नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं कि आप बहुत सारा नहीं, मत लेना भाई थोड़ा सा ही लगाना है। तो गाइस मेरा ऑलमोस्ट वर्कआउट खत्म हो गया, एंड काफी सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे, काफी लड़के भी पूछ रहे थे कि भाई लोअर बेली के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, तो एक एक्सरसाइज जो मेरी बहुत फेवरेट है और बहुत जल्दी आपका लोअर का फैट रिड्यूस करती है, यहाँ पे मैं करता हूँ हैंगिंग लेग रेस, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को जरूर करें। लो मैडम इसके बाद पपीता और उसके बाद ऑमलेट। तो गाइज हमें पता नहीं था कि हम नियो को छोड़कर आ जाएंगे और ये है ना गिर जाएगी वो, तो शुक्र है हमने नीचे है ना
दो दो दरी लगा रखी थी इसलिए नियो को लगी नहीं, नियो मेरा बच गया। मैं रोया बहुत तेज गिरने के बाद में मेरा बेटा। अब नहीं जाएंगे नियो छोड़ के। मम्मा ने 2 मिनट लिटाया और 2 मिनट के अंदर ही पलटी मार गए। तो गाइस अब ये है ना पलट जाती है ऐसे, इसको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मतलब मेरी और सोनम की तो रोने जैसी हालत होगी थोड़ी देर के अंदर, किसको कहीं चोट ना लग गई हो। तेज रोई, इतनी तेज रोई मैं भाग के मैं और सोनम इसको जाके उठा के लेकर आए और फिर लड़ाई करी है इसने सोनम से। पता है कितनी देर तक? कम से कम इसने 10 मिनट तक लड़ाई करी है। कैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे बातें कर रही थी। कैसी गिरी नियो बताना, कान पकड़ के सॉरी बोलो, अब नियो को नहीं छोड़ के जाएंगे। ऐसे रोया बता रहा है, ऐसे रोया ऐसे बता रहा है। लड़ो नहीं हूँ मम्मी से, लड़ो मम्मा से। मम्मा सोफे पे बैठ छोड़ के चली गई नहीं हूँ, लड़ो मम्मा से। हैं कैसे बेटा, कैसे रोया? देख रहे हो गाइस कैसे लड़ रही है सोनम से। मैं सॉरी बोल रही हूँ, उसको मार नहीं लेना मेरा नियो, बोला तो सॉरी। अब नहीं गिलाएंगे, सॉरी बोला तो सॉरी। सॉरी लड़ोकनी बहुत लड़ोकनी है भाई, छोटी सी बहुत लड़ोकनी है, बहुत लड़ेगी बड़ी होने के बाद में। निवान्य पापा को देख रहा कैमरे में, पापा तो गाइस इसने आज ऐसा काम करा कि मेरी तो जान निकल गई और सोनम भी आधे घंटे तक रोई है। और वो तो चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इन सब चीज ऐसे टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे इसकी रोने की आवाज आई ना, मैं उस कमरे से इतनी तेज भगता हुआ आया। सिर्फ लिटरली 1 मिनट हुआ था निया को हमने लाके यहाँ पे ऐसे लिटाया जिम से आने के बाद। मैं सिर्फ उस कमरे में है ना, इसका वो नीचे का जो इसका जो नीचे का कंबल होता है वो लेने के लिए गया था। और गाइस आजकल ये इतनी जल्दी पलटी मारती है, ऐसे पलटी मार के और ये नीचे गिरी। वो तो हमने ये बिछा रखा है, ये बिछा रखा है इसलिए इसको चोट नहीं लगी, फिर भी इतनी तेज रोया। मैंने आते ही अपनी गुड़िया को उठा लिया है बेटा। पता नहीं कैसे इसने पलटी मारी और नीचे आके पड़ी, बट ये जो है ना सरफेस काफी गुदगुदा सा है तो इसको लगी नहीं है। हेड इंजरी होने के काफी चांसेस रहते हैं, पर ये बच गई क्योंकि काफी गुदगुदा है। गाइस सच में थोड़ा सा रोई जब इसको हमने चिपका लिया, उसके बाद ये पूरा दिन खेली है और सोई भी नहीं है। और ये पूरा दिन हो गया, ये पूरा दिन खेली और सोनम पूरा दिन रोई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब पूरा दिन रोएगी, कुछ होगा या फिर कुछ भी, मतलब बच्चे के लगते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी होती है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती। बट भाई साहब ये सारा उल्टा हो गया, पूरा दिन खेलिए चिल्ला चिल्ला के खेल। नहीं हूँ बेटा, गिरने के बाद आपकी कौन सी नस खुल गई? और तेज हंस रहे हो आप, सारे दिन से हंस रही है, सारे दिन से खेल रही है बेटा। पलटी तो गाइस अगले दिन ही पलटी मार दी थी, तब भी उस अगले दिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। ये यहाँ पे सो रही थी, यहाँ पे ऐसे इसका सिर था, ये ऐसे ऐसे गिरी होगी, लेकिन ये मुझे मिली यहाँ पे, इसका सिर इधर था पैर इधर थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। और मैं जब ये जैसे ही गिरी वैसी इतनी तेज रोई, मैं भाग के आया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसका सिर इधर और पैर कैसे आ गया। जिस हिसाब से इसकी पोजीशन थी उस हिसाब से इसका सिर इधर होना चाहिए था। कहते ना बच्चों का भगवान होता है, अपन अगर नहीं भी होते भगवान ध्यान रखते हैं। मेरे नहीं होंगे तो वे माता ने बचाया है, वे माता ने सीधा कर दिया है बेटा। और हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जो नियो से इतना प्यार करते हैं, उन सबकी इतनी सारी दुआ है नियो के साथ में, नियो को कुछ थोड़ी ना हो सकता है ना बेटा। गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप रोज ब्लॉग्स देखते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर नए हैं तो रॉयल शक्ति फिटनेस एंड सोनम जी को इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर ले। एंड गाइज प्लीज लाइक जरूर करें क्योंकि हमारी छोटी सी निवान्या, ये रहा हमारा छोटा सा के लिए बच्चा। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक है ना क्यूट्यूब। और आज पापा की भी तबीयत खराब हो गई, मैं जिम में था ना सीरियसली, जब मैं इतना मतलब रोने लग गया इसको, मेरे को याद आ गई कि गिरी थी यार, कितना अटैचमेंट हो जाता है अपने बच्चों से, सोचा नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा इतना अटैचमेंट। क्योंकि गाइस जो बैचलर है अभी उनको समझ में नहीं आएगा, और जो पेरेंट्स है उनको सब समझ में आता है, तो उन्हीं के लिए है, कोई ना होता रहता है, थोड़ा सा डर जाते हैं कब, क्योंकि यार शुरू शुरू की बात होती है, बाकी हो जाता है। पहले की बात बताऊं, पहले कोई ये बोलता था ना यार बच्चे अब तो शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, तो गुस्सा आता था इन सब बातों को सुन के। मतलब लाइफ में कितनी प्रैक्टिकल चीजें चेंज हो जाती है, मतलब ये है कि मतलब अपने बच्चे तो यार बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो बैचलर लाइफ का भी एक अलग मजा है, इस लाइफ का भी एक अलग मजा है। ये कंटिन्यू भाई, ये कंटिन्यू देखते है, इसको कैमरे में आना है। और ये नाखून देखो, तीसरा दिन है आज इसके नाखून को लगे हुए है बेटा। है? चल पुच्ची दे दो पापा को।
चलो नियो। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग्स में, बाय।